मैं हरियाणा में चुनावों में गया था और हरियाणा चुनावों से ऐसा लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासन की नाराजगी है और वो नाराजगी कांग्रेस को सत्ता पक्ष में लाने के लिए काफ़ी है। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है हमारा, बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे, केंद्र कहाँ से टैक्स उगाही करता है, राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खरात नहीं मान रहे हैं, वो हमारा हक है, हिमाचल के लोगों का हक है और हिमाचल के और लोगों का जो हक है वो हमारा अधिकार बनता है। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हमारा हक है, जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का जो शेयर हमें मिलता है वो यहाँ के जो जीएसटी बनी है उसमें हमारा हक है। तो इस प्रकार की बात उन्हें शोभा नहीं देती। और जो नड्डा जी के आजकल सलाहकार बने हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे, वो जो सलाहें दे रहे हैं अभी आकर, उनकी सलाहों से बचकर रहें तो अच्छा ही रहेगा। आज प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को सबसे निचले स्तर पर अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है उसमें उभरने में मौका लगेगा, पर हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा एक वर्ष के भीतर इन संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगी। 2 वर्ष में हमने हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, नाहन के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, वो झगड़े में फंसा हुआ है उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिया, वो केंद्र ने नहीं दिया, नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, वो हमने अपने संसाधनों से पैदा किया और उन मेडिकल कॉलेजों को पूरा करवाया है। आज जो आईजीएमसी में हम स्टाफ नर्सिस दे रहे हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दे रहे हैं, स्टाफ नर्सिस दे रहे हैं, वो सब हम अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। नड्डा जी को ये बयान शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार की बात करें। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी है, पर जिस प्रकार की बात आकर उन्होंने कही और किस प्रकार का झूठी बात उन्होंने कही वो उन्हें शोभा नहीं देता।